हेलो दोस्तों, काव्या किचन में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू गोभी की ग्रेवी वाली सब्जी मसालेदार। तो इसके लिए मैंने दो आलू लिए हैं बड़े, तो इनको मैंने कट कर लिया है। एक छोटी फूल गोभी है और ये मैंने तीन टमाटर, चार मिर्ची लिए हैं, एक इंच अदरक का टुकड़ा है, ये कुछ लहसुन है, ये खड़े मसाले हैं, इसमें तेज पत्ता है, दालचीनी है, चार छः लौंग है, एक बड़ी इलायची, दो छोटी इलायची और चार से छः मैंने काली मिर्च के दाने लिए हैं। और ये नमक है, मस्टर्ड ऑयल, दो प्याज मैंने बड़ा बड़ा इसे कट किया है, दो बड़े प्याज हैं ये। और ये लाल मिर्च है एक चम्मच, हल्दी पाउडर एक चम्मच, दो चम्मच धनिया पाउडर, एक चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच सौंठ पाउडर और ये दही, फ्रेश दही है ये। तो पहले मैं ये देखिए, मैंने एक पैन लिया है, पैन में मैंने पानी चढ़ा दिया है, गरम हो गया मेरा पानी। अब मैं इसमें एक चम्मच नमक डाल दे रही हूँ और मुझे इसमें अपने ये आलू और गोभी इन्हें हल्का पका लेना है, पूरा नहीं पकना है, हल्का पक जाएगा तो मैं इसमें अपने सारे आलू डाल दे रही हूँ और ये गोभी। अब मुझे इसे ढक करके अच्छे से पका लेना है, हल्का आधा अधकच्चा रहेगा तब मैं इनको निकालूंगी। तब तक मैं अपनी ये टमाटर और हरी मिर्च और लहसुन अदरक का मैं पेस्ट तैयार कर ले रही हूँ। ये देखिए, मैंने एक मिक्सर जार ले रखा है, इसमें मैं अपने ये टमाटर, तीन टमाटर मैंने लिए हैं मुझे, और ये अदरक हरी मिर्च और लहसुन का पेस्ट तैयार कर लेना है मुझे अच्छे से। ये मैं इसका हरा पार्ट निकाल दे रही हूँ ऊपर का, और ये चार हरी मिर्च, अदरक और ये लहसुन का मुझे पेस्ट तैयार करना है। तो चलिए पहले मैं पेस्ट तैयार कर ले रही हूँ। ये देखिए, मेरे आलू और गोभी पक चुके हैं, मुझे इन्हें ज्यादा नहीं पकाना, हल्का ही पकाना है। ये देखिए, ये ऐसे पकाने हल्के, क्योंकि अभी मुझे थोड़े ग्रेवी में पकाने हैं। देखिए बहुत गर्म है, ये देखिए पक चुके हैं, हल्के पके हैं, बहुत नहीं पके हैं। तो इनको अब हम निकाल ले रहे हैं और इसको मैं छन्नी से छान के रख दे रही हूँ और ये मैं एक पैन चढ़ा दे रही हूँ और मुझे इसमें अब मस्टर्ड ऑयल डाल करके प्याज अपना अच्छे से फ्राई करना है। देखिए मैं इसमें ऑयल डाल दे रही हूँ, ऑयल गरम हो जाए। ये देखिए ऑयल मेरा गरम हो चुका है, अब मैं इसमें अपने प्याज फ्राई कर ले रही हूँ। मैंने अभी तेल ज़्यादा डाल रखा है, अगर लगेगा मैं बाद में इसको निकाल लूँगी। तो अपने ये सारे प्याज इसमें मुझे फ्राई करना है, जलाना नहीं है इनको, बस ऐसे फ्राई करके निकाल लेना है। मैं अपने प्याज फ्राई कर लूँ। ये देखिए, मैंने ये प्याज निकाल लिए अपने सब, ऐसा इसमें भूनना है मुझे, अच्छे से निकाल लेना है। प्याज मेरे फ्राई हो चुके हैं, अब मैं इसमें हींग और मेथी डाल दे रही हूँ। ये मैं बताना भूल गई थी, तो मैं आधी चम्मच हींग डाला है और मैं ये छोटा चम्मच मेथी डाल दे रही हूँ। और उसके बाद मैं अपने ये जो खड़े मसाले मैंने लिए थे, इसमें ये इलायची, बड़ी इलायची, तेज पत्ता और ये लौंग, काली मिर्च और दालचीनी मैंने सारे डाल दिए हैं। अब मैं इसमें अपने ये टमाटर का जो मैंने तैयार किया था पेस्ट, मैं वो डाल दे रही हूँ। ये मैंने जो तैयार किया था टमाटर, हरी मिर्च और अदरक लहसुन का पेस्ट, ये मैं डाल दे रही हूँ। मुझे इसे पका लेना है मसाले को। और जो मैंने ये प्याज भुना था, मुझे इसका भी पेस्ट तैयार करना है। मैं इसे इसका, जब तक ये मसाला भुनना है, मैं इसका पेस्ट तैयार कर ले रही हूँ। ये देखिए, मेरा ये टमाटर का पेस्ट पक रहा है, अब मैं इसमें अपनी नमक डाल दे रही हूँ। नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार डालिए। और ये इसमें मैं अपने सूखे मसाले ऐड कर दे रही हूँ,
मैंने हल्दी ले रखा है 1 चम्मच, और ये 1/2 चम्मच सौंठ पाउडर, ये 2 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च, और ये गरम मसाला। इन सबको मैं अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ और मुझे अच्छे से पका लेना है। देखिए तेल मेरा छोड़ने लगा है किनारे किनारे से, टमाटर वगैरह पक गया। अब मैं इसमें अपनी ये दही डाल दे रही हूँ। मैंने 1 कटोरी दही ली है, छोटा 1 कटोरी, और इसको मुझे चलाते रहना है जब तक ये उबाल नहीं आ जा रहा है। ये देखिए मसाले भुन चुके हैं। अब मैं इसमें ये प्याज का पेस्ट जो मैंने पीस के रखा था वो मैं मिला दे रही हूँ, और मुझे इसे ही भून लेना है अच्छे से। प्याज मेरा पहले से भुना और पका हुआ है तो इसलिए मुझे ज़्यादा इसे पकाना नहीं है, थोड़ा सा मैं भून करके तब मैं इसमें अपनी ये सब्जियाँ ऐड करूँगी। ये देखिए सब मसाले पक चुके हैं। इसमें साइड से भी देखिए इसने अपना तेल भी छोड़ दिया है। ये देखिए पक चुका है। अब मैं इसमें अपनी ये सब्जियां ऐड कर दे रही हूँ जो मैंने आलू गोभी बॉईल करके रखा था। मुझे इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है सारी सब्जियों को। सारी सब्जी पहले से पकी हुई है तो आप इसमें थोड़ा सा ग्रेवी, हमें हल्का पानी डालना, हल्का जितना आपको रखना है थोड़ा पानी डाल करके इसकी ग्रेवी बना करके, अब इसको थोड़ी देर लिए मुझे ढक के पकाना है। मैं सब्जियां सब मिला ले रही हूँ। ये देखिए मैं ये सब्जी एकदम भून चुकी है। अब मैं इसमें पानी डाल ऐड कर दे रही हूँ। आपको जितना भी पतला या गाढ़ा रखना उतना पानी, मैं 1 गिलास पानी ही मैंने इसमें ऐड किया है। ये देखिए अच्छे से मैंने मिक्स कर दिया है। अब मुझे इसे ढक करके 5 मिनट के लिए पका लेना है। मैंने इसे ढक दिया है और स्लो कर दिया है, मीडियम फ्लेम पे मुझे पकाना है इसे। ये देखिए मेरी ये सब्जी आलू गोभी की बनके तैयार हो गई है, एकदम पक चुकी है। देखिए मेरे आलू भी पक चुके हैं। देखिए आलू गोभी वैसे पहले पका भी था आधा, तो इसलिए मेरी सब्जी बनके तैयार हो गई है। मैं गैस ऑफ कर दे रही हूँ और इसको मैं बाउल में निकाल ले रही हूँ। ये देखिए मेरी आलू गोभी की मसालेदार सब्जी बनके तैयार हो गई है। अगर आपको मेरी ये आलू गोभी की रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।